हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्टिव वॉइस में आए हुए इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करें। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने वॉइस टॉपिक पर ऑलरेडी 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिनका आपको लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। आप उन्हें पहले ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वॉइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलता है। इस वजह से वॉइस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो वॉइस टॉपिक इस वीडियो को मिलाकर कुल 4 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। आप पूरा पार्ट वॉच कर लीजिएगा, आपका सारा जो डाउट है वह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो आपका जो एक्टिव वॉइस है उसमें आया हुआ वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है, उसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने होंगे। उन रूल्स को एक एक करके मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट करूँगा और आसानी से समझा दूंगा, ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और आसानी से आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को लिख दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स था, सर प्लीज़ हम लोगों के नोट्स तैयार करवा दीजिए, इसी वजह से मैं पिछले कई वीडियो से सारी चीज़ों को यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ताकि आप नोट्स भी तैयार कर सके। तो चलिए आप देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में अगर इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स माइंड रखने होंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट यह है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस से आदेश का भाव झलके तो पैसिव वॉइस का रूप हम निम्न प्रकार से रखते हैं। तो जो आपका एक्टिव वॉइस है उसमें आया हुआ वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है, और उस इंपरेटिव सेंटेंस से आपको आदेश का भाव दिखाई दे रहा है, तो पैसिव वॉइस का रूप आप किस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले आप लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड आपको लिखना है। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल लिखा है, पोस्ट दिस लेटर एट वंस, इस पत्र को तुरंत पोस्ट कर दो। तो देख सकते हैं एक्टिव वॉइस के वाक्य से हमको किसका भाव दिखाई दे रहा है, आदेश का, यानी इस पत्र को तुरंत पोस्ट कर दो, आदेश दिया जा रहा है, तो आदेश का भाव दिखाई दे रहा है हमको इस एक्टिव वॉइस के इंपरेटिव सेंटेंस से। तो हम पैसिव वॉइस का रूप इस तरह से रखेंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि हमारा दिस लेटर है, उसके बाद हमको बी लिखना है, और उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड जो है वह हमको लिखना है। तुम्हारा पैसिव वॉइस इस तरह से बन जाएगा, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड एट वंस, अर्थात इस पत्र को तुरंत पोस्ट किया हुआ कर दो। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, टेल हिम उसे बताओ, टू लीव मतलब छोड़ने के लिए, द रूम मतलब कमरे को, एट वंस मतलब तुरंत, यानी उसे तुरंत कमरे को छोड़ने के लिए बताओ या कहो। तो हम देख सकते हैं कि इसमें भी आदेश का भाव है, तो आदेश का भाव है तो पैसिव वॉइस का रूप हम इस तरह से रखेंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, देख सकते हैं, उसके बाद अदर वर्ड जो भी है हमको लिख देना है। तुम्हारा पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा, लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द रूम एट वंस, अर्थात लेट हिम बी टोल्ड उसे बताया हुआ कर दो, टू लीव मतलब छोड़ने के लिए, द रूम मतलब कमरे को, एट वंस मतलब तुरंत, यानी उसे तुरंत कमरे को छोड़ने के लिए बताया हुआ कर दो। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही एक्टिव वॉइस के वाक्य में ऑर्डर का भाव दिखाई दे रहा है, पैसिव वॉइस का रूप हम इस तरह से रख रहे हैं। इसी तरह एक एग्जांपल और देखते हैं, शट ऑल द डोर, सभी दरवाजों को बंद कर दो। तो देख सकते हैं कि इस वाक्य से भी हमको किसका भाव दिखाई दे रहा है, आदेश का, तो आदेश का भाव दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है पैसिव वॉइस का रूप हम इस तरह से रखेंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द डोर्स, उसके बाद बी, और उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो शर्ट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, तो यहाँ पर यह थर्ड फॉर्म है। तुम्हारा पैसिव वॉइस इस तरह से बन गया, लेट ऑल द डोर्स बी शर्ट, अर्थात सभी दरवाजों को बंद किया हुआ कर दो। तो आई होप स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें उसमें जो मैंने पहला रूल बताया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब रूल नंबर सेकेंड देखते हैं और उसे भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला नियम है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य डू नॉट से प्रारंभ हो तो पैसिव वॉइस का रूप हम निम्न प्रकार से रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस आया हुआ है एक्टिव वॉइस में, वह डू नॉट से प्रारंभ हो रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप पैसिव वॉइस का रूप इस प्रकार से रखेंगे। सबसे पहले आपको लेट लिखना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको नॉट लिखना है, नॉट के बाद आपको बी लिखना है, और उसके बाद मेन वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है, उसके बाद अगर अदर वर्ड आ रहा है तो आपको उसे लिखना होगा। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। तो मैंने यहां पर एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिखा है,
डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। तो इस वाक्य में देख सकते हैं कि आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस है किससे प्रारंभ है, डू नॉट से प्रारंभ है। तो पैसिव वॉइस का रूप आप इस तरह से रखेंगे, सबसे पहले आपको लेट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, देख सकते हैं लेट लिखा गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा गया, फिर नॉट लिखा गया, फिर बी लिखा गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमारा पैसिव वॉइस इस तरह से बन गया, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड, अर्थात मुझे परेशान किया हुआ मत होने दो। तो यह हमारा पैसिव वॉइस बन गया। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, डू नॉट किल द बर्ड्स, पक्षियों को जान से मत मारो। तो देख सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ किससे हो रहा है, डू नॉट से। तुम्हारा पैसिव वॉइस का रूप इस तरह से रहेगा, सबसे पहले हम लोग लेट लिखेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट द बर्ड्स हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद बी, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बन गया, लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड, अर्थात पक्षियों को जान से मारा हुआ मत होने दो। तो स्टूडेंट्स यह हो गया रूल नंबर सेकेंड। इसके बाद देखते हैं जो हमारा रूल नंबर थर्ड है उसको। तो स्टूडेंट्स अगला नियम है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस से सलाह का भाव झलके तो पैसिव वॉइस का रूप निम्न प्रकार से रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका एक्टिव वॉइस में आया हुआ इंपरेटिव सेंटेंस होगा उससे अगर सलाह एडवाइस का भाव आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस का जो रूप है आपको इस तरह से रखना होगा। आप लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, बी के बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है, अदर वर्ड आ रहा है तो अदर वर्ड आपको लिखना होगा। अगर आप लेट से नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप शुड का प्रयोग करके बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद आपको शुड लिखना है, शुड के बाद बी लिखना है, और बी के बाद मेन वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। ऐसा आपको कब करना है, जब इंपरेटिव सेंटेंस से आपको एडवाइस अर्थात सलाह का भाव दिखाई देगा तब। चलिए इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एक्टिव वॉइस से एग्जांपल लिखा है, हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद करो। तो देख सकते हैं इसमें सुझाव दिया गया है कि गरीब लोगों की मदद करो। तो यहाँ सुझाव दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप लेट से भी बना सकते हो और शुड से भी बना सकते हो। तो चलिए दोनों तरीक़ों से देखते हैं। तो पहले हम लोग बनाते हैं शुड से। तो शुड के लिए हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। तो देख सकते हैं द पुअर जो कि हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना देते हैं, तो हो गया हमारा द पुअर। उसके बाद हमको लिखना है शुड, उसके बाद हमको बी लिखना है, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तुम्हारा पैसिव वॉइस बन गया द पुअर शुड बी हेल्प्ड, अर्थात गरीबों की मदद किया हुआ होना चाहिए। या फिर आप लेट से बनाएंगे तो लेट से बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बी लिखना है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देख सकते हैं ठीक वैसा ही मैंने लिखा है, आपको लेट देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको द पुअर जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है वह देखने को मिल जाएगा, उसके बाद बी, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, अर्थात गरीब लोगों की मदद किया हुआ होने दो। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, डू योर ड्यूटी, अपने कर्तव्य को करो। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पैसिव वॉइस बनाया है पहले शुड से। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट बनाना होगा, तो जो हमारा योर ड्यूटी ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट बनाते हैं, तो योर ड्यूटी, इसके बाद शुड, शुड के बाद बी, बी के बाद वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म। तो यह हो गया हमारा पैसिव वॉइस, योर ड्यूटी शुड बी डन, अर्थात तुम्हारा कर्तव्य किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद आप चाहो तो इसे लेट से भी बना सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेट लिखना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बी, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तुम्हारा पैसिव वॉइस बन गया लेट योर ड्यूटी बी डन, अर्थात अपने कर्तव्य को पूरा किया हुआ कर दो। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो एक्टिव वॉइस में आया हुआ इंपरेटिव सेंटेंस है उससे अगर आपको एडवाइस का भाव दिखाई दे रहा है तो कैसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। चलिए इसके बाद अगला रूल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला नियम है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, सर, ईटीसी, अनुरोध वाले शब्द का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस का रूप निम्न प्रकार से रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका एक्टिव वॉइस है उसमें जो इंपरेटिव सेंटेंस आया हुआ है उस इंपरेटिव सेंटेंस में आपको प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, इसमें से कोई भी शब्द आपको देखने को मिल रहा है तो आप पैसिव वॉइस का रूप इस प्रकार से रखेंगे। आपको यू आर रिक्वेस्टेड लिखना होगा, उसके बाद टू, और उसके बाद आपको मेन वर्ब के बाद आपको अदर वर्ड लिखना है। और एक चीज़ याद रखना है कि आपको प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, इन शब्दों को हटा देना होता है। यहाँ पर मैंने नोट के रूप में लिखा है प्लीज,
काइंडली सर इटीसी अनुरोध वाले शब्द को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। तो मैंने यहां पर एक्टिवाइज का एक वाक्य लिखा है, प्लीज़ हेल्प द पुअर, कृपया गरीब लोगों की मदद करो। तो देख सकते हैं इस इंपरेटिव सेंटेंस में हमको प्लीज़ देखने को मिल रहा है जो कि अनुरोध वाला शब्द है। तो जैसे ही हम पैसिव वॉइस बनाएंगे प्लीज़ को हटा देंगे और वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। तो हमको लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू और उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, अर्थात आपसे अनुरोध किया जाता है गरीब लोगों की क्या करने को, मदद करने को। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा ही कर्ता यू क्या होता है, छिपा होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट वीडियो में जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का मैंने सामान्य नियम बताया हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस बनाते समय सदैव ही वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, चाहे वह वर्ब आया हो या ना आया हो एक्टिव वॉइस में। तो देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वेस्टेड जो है यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है, भले ही वह एक्टिव वॉइस में नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सर शो मी द बुक, यानी श्रीमान मुझे किताब दिखाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं सर शब्द आया हुआ है, तो सर शब्द को हटा देंगे और पैसिव वॉइस का प्रारंभ हम किससे करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। तो हमको पैसिव वॉइस बनाना होगा इस तरह से, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर वर्ब से पहले आपको क्या लगाना है यहाँ पर टू, देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, अर्थात इन्फिनिटिव बनाना होता है, उसके बाद आपका अदर वर्ड लिखना होता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू शो मी द बुक, यानी आपसे अनुरोध किया जाता है मुझे किताब दिखाने को। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज़ काइंडली सर मैडम अनुरोध प्रकट करने वाले शब्द दिखाई दे तो कैसे आपको पैसिव वॉइस बनाना है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद एक नियम और है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला नियम देखते हैं, यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो तो पैसिव वॉइस का रूप निम्न प्रकार से रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका एक्टिव वॉइस में आया हुआ इंपरेटिव सेंटेंस है उसका प्रारंभ लेट से हो रहा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको पैसिव वॉइस का रूप इस तरह से रखना होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद लेट से प्रारंभ होने वाला पूरा जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा उसे आपको लिख देना होगा। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल लिखा है, लेट मी स्लीप नाउ, मुझे अब सोने दो। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है वो किससे प्रारंभ हो रहा है, लेट से। तो पैसिव वॉइस का रूप हम इस तरह से रखेंगे, तो हमको लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद लेट से जो प्रारंभ हुआ वाक्य हमको पूरा लिख देना है। तो लेट से प्रारंभ हुआ वाक्य लेट मी स्लीप नाउ है, तो हम पूरा यह लिख देते हैं लेट मी स्लीप नाउ। तो हमारा पैसिव वॉइस इस तरह से बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी स्लीप नाउ, अर्थात तुमसे अनुरोध किया जाता है कि मुझे अब सोने दो। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लेट मी वर्क नाउ, अब मुझे काम करने दो। तो देख सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य लेट से प्रारंभ है, तो इसका मतलब है कि हमको पैसिव वॉइस का रूप इस तरह से रखना होगा। तो हम लिखते हैं पैसिव वॉइस इस तरह से, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद लेट से प्रारंभ हुआ पूरा वाक्य लिख देते हैं, तो लेट मी वर्क नाउ। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी वर्क नाउ, अर्थात तुमसे अनुरोध किया जाता है कि मुझे अब काम करने दो। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और भी इम्पॉर्टेंट नियम है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके लिए उस तरह का क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाए तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको एक्टिव वॉइस के वाक्य में ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं पता चल पाता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए, चलिए अब उसे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला नियम है, कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस के भाव के अनुसार बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्टिव वॉइस में हमारा इंपरेटिव सेंटेंस आया होता है उसमें हमको ऑब्जेक्ट ठीक तरह से स्पष्ट नहीं होता, अर्थात समझ में नहीं आ पाता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऐसी स्थिति में आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप इनमें से जैसा इंपरेटिव सेंटेंस का भाव आएगा उनका यूज़ करेंगे। देखिए अगर ऑर्डर का भाव आएगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करेंगे। अगर आपको एडवाइस का भाव दिखाई दे रहा है तो आप यू आर एडवाइस टू का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको रिक्वेस्ट का भाव दिखाई दे रहा है इंपरेटिव सेंटेंस में तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा टू का प्रयोग वर्ब से पहले किया जाएगा, ठीक है, अर्थात वर्ब को इन्फिनिटिव बनाते हैं। इससे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल लिखा है, वॉक टू द लेफ्ट, अर्थात बाएं से चलो, बाएं से चलो,
देखिए इस वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो यह वाक्य हिस्से से किसका भाव आ रहा है। बाएं से चलो, लग रहा है कि सुझाव दिया जा रहा है, तो हम लोग पैसिव वॉइस इस तरह से बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट, अर्थात तुम्हें सलाह दिया जाता है टू वॉक चलने को, टू द लेफ्ट मतलब बाएं से, अर्थात तुम्हें सलाह दिया जाता है कि बाएं से चलो। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, गो आउट ऑफ द क्लास, कक्षा से बाहर चले जाओ। इसमें भी ऑब्जेक्ट उतना क्लियर नहीं है, ऐसी स्थिति में अब हम देखेंगे कि हमको इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य से किसका भाव मिल रहा है। गो आउट ऑफ द क्लास, कक्षा से बाहर चले जाओ, तो लग रहा है आदेश का भाव दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करेंगे। तुम्हारा पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट ऑफ द क्लास, अर्थात तुम्हें आदेश दिया जाता है कक्षा से बाहर जाने के लिए। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिए डू नॉट रन इन द सन, अर्थात धूप में मत दौड़ो। यहाँ पर देख सकते हैं डू नॉट से प्रारंभ है, लेकिन इस वाक्य में भी हमको ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब हम देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस से किसका भाव आ रहा है। डू नॉट रन इन द सन, धूप में मत दौड़ो, तो लग रहा है कि सुझाव दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यू आर एडवाइज टू, लेकिन यहाँ पर नॉट आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि टू को हमको नॉट के बाद प्रयोग करना होगा, क्योंकि आपको वर्ब देखने को मिलेगा नॉट के बाद, तो यहाँ वर्ब से पहले हमको टू लगाना होगा। तुम्हारा पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा, यू आर एडवाइज्ड, देखिए इसके बाद टू नहीं लगाए क्योंकि हमारा वर्ब यहाँ पर है रन, तो उसके पहले आएगा। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू रन इन द सन, यानी तुम्हें सलाह दिया जाता है धूप में न दौड़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस हो तो कैसे आप उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो जाते जाते यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है और आपको इसका आंसर जो है वह कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो एक्टिव वॉइस का यहाँ पर मैंने वाक्य लिखा है, ओबे द रूल्स ऑफ रोड, सड़क के नियमों का पालन करो, इसे आपको करना है पैसिव वॉइस में चेंज और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।